गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर साइंस क्लास। आज हम क्लास फोर, आपको क्या पढ़ाएंगे चैप्टर फोर में? चैप्टर फोर इज नेम रिप्रोडक्शन एनिमल। तो हमने एनिमल के प्रजनन के बारे में बता रहे थे, तो कल हमने आपको बताया था जो एनिमल्स बेबीज को जन्म देते हैं और कुछ एनिमल्स होते हैं जो अनयूजुअल एनिमल्स कहलाते हैं, तो उनके बारे में बताया। आज हम बताएंगे एनिमल दैट ले एग, जो एनिमल्स क्या देते हैं, एग देते हैं, उनके बारे में। मैनी एनिमल्स हैं, देखो ये इस तरह से एग देते हैं और ये बच्चे ग्रो अप होते हैं। तो किस तरीके से होते हैं हम आपको बताते हैं। मैनी एनिमल्स लाइक बर्ड, फिश, इंसेक्ट, स्नेक, फ्रॉग, लिजार्ड एंड क्रोकोडाइल रिप्रोड्यूस लेइंग एग, ये सब क्या देते हैं, एग देते हैं। दे बेबीज डेवलप इनसाइड द एग एंड कम आउट व्हेन द एग हैच, जब बेबीज इसमें डेवलप हो जाता है एग के अंदर, तब विकसित होने के बाद क्या होता है, वो एग से बाहर आता है। एन एग हैज ए थिन बट हार्ड शेल कॉल द एग शेल, ये आप देख रहे हो, ये कैसी होती है, अंडे में पतला है लेकिन ये क्या होता है, ये कठोर खोल होता है, मतलब काफी हार्ड होता है, इसकी जो शेल होती है काफी हार्ड शेल बोली जाती है। इट प्रोटेक्ट द बेबी डेवलपिंग इनसाइड, और ये क्या करता है, ये बेबी जो अंदर विकसित होते हैं तो उसकी सुरक्षा करता है, खोल की वजह से सुरक्षित रहते हैं बेबी। इन द सेंटर ऑफ द एग इट द योल्क, जो अंडे का आंतरिक होता है केंद्र, उसे हम बोलते हैं जर्दी, ये योल्क होता है, इसे हम बोलते हैं जर्दी। इट इज़ अ येलो इन कलर एंड रिच एंड फैट्स इन ए मिनरल, इसके अंदर क्या होता है, ये पीले रंग का होता है और इसमें वसा और खनिज लवण जो समृद्ध होता है खनिजों से, क्योंकि मिनरल्स वगैरह होते हैं तो ये उससे समृद्ध होता है। द योल्क हैज़ डेवलपिंग बेबीज कॉल्ड द एम्ब्रियो, और जिस पीले उस जो जर्दी होती है उसके अंदर जो बच्चा, जो भ्रूण होता है, वो विकसित हो करने वाला बच्चा होता है, मतलब इसी के अंदर ये विकसित होता है। इट इज़ येलो कलर एंड रिच एंड द मिनरल्स, द योल्क इज डेवलपिंग बेबीज कॉल्ड एम्ब्रियो, तो भ्रूण कहलाता है ये। द योल्क प्रोवाइड फूड टू द एम्ब्रियो, तो जो भ्रूण होता है, जर्दी भ्रूण भोजन प्रदान करती है, जो योल्क होता है वो क्या प्रोवाइड कराता है, फूड प्रोवाइड कराता है भ्रूण को। अराउंड द योल्क इन वाइट जेली लाइक सबस्टेंस कॉल्ड द एल्बम, ये क्या होता है, जो जर्दी होती है ये चारों ओर जेली जैसी पदार्थ की होती है, जो जेली नहीं होती लिक्विड टाइप की, तो ये इस तरह के पदार्थ की होती है। बट ये जो तरल ये पदार्थ होता है जिस पर एल्बम कहा जाता है, क्या क्या कहा जाता है इसे, एल्बम, ये किससे भरा होता है, द एल्बम इज रिच इट्स प्रोटीन एंड प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो, ये प्रोटीन से भरपूर होता है और भ्रूण की सुरक्षा करता है। एंड एग ऑल्सो एन एयर सैक फॉर ग्रोइंग बेबी टू ब्रीड टिल द एग हैच, जब जिसे अल्प पुरुष कहा जाता है, एल्बम प्रोटीन से भरपूर होता है, भ्रूण की सुरक्षा करता है, और ये क्या करता है, अंडाणु के अंडे तक सांस लेने के लिए कहते हैं, तो बच्चे के लिए एक अंडे एक हवा में होता है, मतलब जैसे बच्चे छोटे बच्चे होते हैं तो वो सांस किस तरीके से लेंगे, तो ये एयर स्पेस होता है, मतलब हर अंडे में एक हवा लेने के लिए ये रखते हैं बच्चे के लिए, तो जिससे इनको एयर मिलती रहती है और इनका विकास होता रहता है। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एन एग, ठीक है, ये एम्ब्रियो है जिस तरह से विकसित होता है, ये योल्क है जर्दी जिसके अंदर बच्चे का विकास होता है, शेल है एक अंडे का आकार जिसमें खोल होता है, ये एयर स्पेस के द्वारा क्या होता है, हर में एक में हवा होती है जिससे बच्चा एयर लेता है, मतलब सांस की जरूरत होगी बच्चे को तो वो उसके द्वारा लेता है, और इसको क्या बोलते हैं, एल्बम बोलते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है, बच्चा फिर बड़ा होता जाता है। अब आता है बर्ड्स, बर्ड्स आप सभी जानते हो, जो पक्षी होते हैं उनके बारे में, जैसे चिक है, हैचिंग है जैसे अंडे में से निकलता है, बताया था आपको, ये लेइंग एग जो एग देती है, ये इनक्यूबेशंस होती है, ये एम्ब्रियो है जब स्टार्टिंग में होता है, ये एम्ब्रियो डेवलप जब डेवलप हो जाता है, तो इस तरह से ये प्रोसेस है। पहले उसने क्या दिया, लेइंग एग दिया, पहले यहाँ से आया, इनक्यूबेशंस हुआ, फिर लेइंग एग दिया, पहले इसने एग दिया, लिंक क्रिएशंस हुआ, इक्वेशंस हुआ जो उसके, फिर उसके बाद एम्ब्रियो आया, फिर एम्ब्रियो से फिर डेवलप हुआ थोड़ा, फिर उसके बाद हैचिंग बाहर निकला, और फिर चिक, एक छोटे पक्षी के तरह, मतलब उसमें चिक की तरह
आ गया। तो इस तरह से ये प्रोसेस होती है। तो हम बताते हैं आपको, ऑल द बर्ड्स ले एग, सभी बर्ड्स मालूम है आपको कि ज्यादातर क्या देती हैं, एग देती है। मोस्ट ऑफ देम बर्ड नेस्ट टू ले एग, ले देयर एग्स एंड रेजेस देयर बेबीज। ये क्या करती हैं, उनमें से ज्यादातर अपने अंडे के लिए घोंसले का निर्माण करते हैं और अपने बच्चे को पालती हैं। आफ्टर लेइंग एग्स अ मदर बर्ड प्रोवाइड्स द हीट ऑफ हर बॉडी टू द एग बाई सिटिंग ऑन दैम, इट इज कॉल्ड इनक्यूबिनेशन। क्या होता है, अंडे देने के बाद एक माँ पक्षी उन पर बैठकर अंडों को अपने शरीर की क्या देती है, गर्मी प्रदान करती है। सिटिंग बताया था ना आपको यहाँ पर, सिटिंग ऑन दैम, तो वो क्या कहते हैं, गर्मी प्रदान करती है। और इस गर्मी प्रदान करती है और अपने शरीर के ये गर्मी प्रदान करने को हम क्या बोलते हैं, उष्मायान। क्या कहता है, क्योंकि ये उष्मा दे रही है इंक्यूबिनेशन, तो इसको बोलते हैं उष्मायान कहा जाता है। ऐसे गर्मी मिलती है, हीट मिलती है, तो बच्चा डेवलप भी होता है। तो बाय द वार्म ऑफ द मदर्स बॉडी द एम्ब्रियो इनसाइड एन एग स्टार्ट डेवलपिंग। तो क्या होने लग जाता है, माँ के शरीर की गर्माहट से एक अंडे में के अंदर भ्रूण विकसित होने लगता है। When the embryo is fully developed and turned into a baby bird, जब क्या होता है, जब भ्रूण में पूरी तरह से विकसित हो जाता है तो वो एक बच्चे से पक्षी में बदल जाता है। It's come out of the egg on its own, it is called hatching। और जब वो बच्चे में बदल जाता है तो वह अपने आप अंडे से निकल आता है। और इसको क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं hatching, मतलब अंडे से इन्हें बोलते हैं। तो इस तरह से ये प्रोसेस होती है। हमने लाइफ साइकिल ऑफ हैन बताया और आपको क्या बताया, स्ट्रक्चर ऑफ एन एग। आपको ये दोबारा से रीड आउट करना है और आज का आपको होमवर्क है बेटा। आज मैंने बोला था आपको कि टेस्ट दूंगी चैप्टर 3 के, तो ये आपके क्वेश्चन है, अडेप्टेशन एनिमल चैप्टर 3, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है व्हाई डज अ व्हेल ब्रीथ, सेकेंड क्वेश्चन व्हाट इज ए हाइबरनेशन, थर्ड क्वेश्चन व्हाई डू कैमल हैव थिक स्किन, आपके लॉन्ग क्वेश्चन में व्हाई अडेप्टिव फीचर डू कार्निवोरस हैव, और नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन का व्हाट इज ए कैमिफ्लोज एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो ये आपको अटेम्प्ट करने हैं, चीटिंग नहीं करनी है, नीट एंड क्लीन तरीके से, और आपको सेंड भी करना होगा, मुझे दिखाओगे आप। और आपका होमवर्क है अटेम्प्ट टू ऑल, मतलब जो क्लास टेस्ट दिया है वो आपको करना है, रीड चैप्टर 4 एंड राइट हार्ड वर्ड्स। ये आपको हार्ड वर्ड जो चैप्टर है इसको पढ़कर फिर हार्ड वर्ड्स लिखने हैं अपने आप ही, ठीक है। ओके, हैव अ गुड डे।